HTML टेबल विथ बॉर्डर। तो यहाँ पे हम लोग टेबल में बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसा कि हम लोग एमएस ऑफिस में लगाते हैं, वर्ड में लगाते हैं, एक्सेल में लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग टेबल में बॉर्डर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो टेबल जो है खाली खाली दिखेगा, मतलब उसमें आउटलाइंस नहीं दिखेगी हम लोग को। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। तो जब हम लोग टेबल टैग लगाते हैं स्टार्टिंग में, उसके साथ में ही हम लोग को एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है बॉर्डर, और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर इक्वल टू कुछ वैल्यूज हम लोग यहाँ पे देते हैं। बॉर्डर इक्वल टू 1 हम लोग यहाँ पे दे दिए, तो जो आउटलाइन होगा उसका जो एक स्ट्रेंथ होगा वो उसका साइज होगा 1। तो हम लोगों को जिस प्रकार का यहाँ पे एक टेबल देखने के लिए मिलेगा, और इसमें जो आउटलाइन है वो 1 की आउटलाइन है, सेम एग्जैक्टली ऐसे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो बॉर्डर है वो टेबल टैग में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यही एक एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर तो हम लोग सी एस एस से भी लगा सकते हैं, ठीक है, सी एस एस अप्लाई करके भी हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब सी एस एस अपने कोर्स में नहीं है तो अपन अभी उसको नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग का जो भी सेल्स है सब में आउटलाइंस आ जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये रहा बॉर्डर एट्रीब्यूट। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेबल विथ कॉल स्पैन। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एचटीएमएल टेबल विथ कॉल स्पैन। अब ये कॉल स्पैन क्या होता है देखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू मेक ए सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम, यू कैन यूज द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे स्पैन का मतलब क्या होता है, स्पैन का मतलब होता है जोड़ना, मर्ज करना। ठीक है, स्पैन का मतलब क्या होता है, जोड़ना और मर्ज करना। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी दो सेल को हम लोग जोड़ सकते हैं। दो सेल मतलब जो यहाँ पे टेबल दिख रहा है, अगर मान के चलिए ये दोनों कॉलम को हम लोग को मर्ज करना है। ठीक है, ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है, ये दो कॉलम है, ठीक है, ये दो कॉलम को अगर हमें मर्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल स्पैन लगाना पड़ेगा। कॉल स्पैन लगाने से क्या होगा कि हम लोग अपने किसी भी दो कॉलम को, तीन कॉलम को हम लोग मर्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं कॉल स्पैन। ये कॉल स्पैन एट्रीब्यूट जो होगा हमेशा टीडी पे लगेगा, मतलब टेबल डेटा जो होगा उस पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इट विल डिवाइड 1 सेल और रो इनटू मल्टीपल कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी एक सेल को या तो डिवाइड करेगा या तो मतलब रो वाइज डिवाइड करता है जनरली। अगर हम लोग कॉल स्पैन यूज करें तो उसको क्या करेगा, मल्टीपल मतलब कोई भी मल्टीपल कॉलम्स को वो क्या करेगा, जोड़ देगा सीधी सी बात। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक टेबल है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है टेबल, जो हमारा टेबल टैग है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टी आर यूज किए। टी आर मतलब टेबल रो, हमने एक रो बनाया, ठीक है, ये टी आर यहाँ पे क्लोज हुआ है, फिर उसके बाद एक और टी आर हमने लिया और ये टी आर यहाँ क्लोज हुआ है। इसका मतलब इसमें दो रो है, दो रो है, ठीक है, दो रो बने। फिर पहले में हम लोग ने क्या लिया, टी एच नेम। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे जो टेबल हेडिंग है वो क्या है, नेम है। ठीक है, फिर उसके बाद टी एच, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया कॉल स्पैन इक्वल टू 2, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 हमने लगा लिया। तो कॉल स्पैन 2 लगाने से क्या होगा कि ये मोबाइल नंबर जो है, ठीक है, उसके बाद वाला जो कॉलम है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे, देखिए इस टी आर में कितने कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, दो ही कॉलम है। ठीक है, लेकिन इस टी आर में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग को 3 कॉलम नजर आएगा। अगर इसको मैं ऐसा कर दूं, इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो
हम लोग देख सकते हैं कितने इसमें कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि इस कोड में ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है, और इस रो में, सेकंड रो में ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉल स्पैन लगाया है, कॉल स्पैन इक्वल टू टू, मतलब ये सेकंड रो मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को, द कॉलम नंबर टू और कॉलम नंबर थ्री, मतलब इस कॉलम से वो क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, ठीक है, मर्ज कर देगा। ठीक है, तो आउटपुट कुछ हम लोग को इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेम है ये वाला फर्स्ट कॉलम है, जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दो कॉलम होने चाहिए थे, लेकिन मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप का हमने कॉल स्पैन लगा के इसको मर्ज कर लिया। ठीक है, अगर कॉल स्पैन इक्वल टू थ्री दे देता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बाद अगर एक कॉलम और होता तो वो भी मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी कॉलम्स को हम लोग को मर्ज करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करेंगे कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन हमेशा टी एच में लगेगा या फिर टी डी में लगेगा। ठीक है, टी एच टैग में भी लगा सकते हैं हम लोग और टी डी टैग में भी हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कैसा ये बनता है। ऑर्डर यहाँ पे मैंने लगा दिया और इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। सेव हमने कर दिया और यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार से ये हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट रो जो है ये वाला फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में हम लोग ने कितने कॉलम्स यहाँ पे लगाया, दो टी एच हमने लिया। ठीक है, अगर मान के चलो एक टी एच और लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया, कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट करता हूँ, मोबाइल नंबर की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्क्स, ये मैंने दे दिया। तो यहाँ पे बेसिकली तीन कॉलम यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो में भी तीन कॉलम, इसमें भी तीन कॉलम। अब मुझे ये मार्क्स नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं क्या करूँगा कि इस मार्क्स को हटा के मैं इस मोबाइल नंबर को और मार्क्स को दोनों को मर्ज कर दूंगा, मतलब ये दोनों सेल को मुझे मर्ज कर लेना है। तो मर्ज कहाँ से करेंगे, मोबाइल नंबर से मर्ज करना है इस मार्क्स तक। ठीक है, मतलब ये वाला सेल और ये वाला सेल, दोनों सेल को हम लोग को मर्ज करना है। तो मोबाइल नंबर वाले टी एच में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू, कितने रो को मर्ज करना है, कितने कॉलम को मर्ज करना है, दो कॉलम को, तो हम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू। टू लिखे, सेव किए और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। तो ये तो मर्ज हो गया, यहाँ पे हम लोग देख सके कि मर्ज हो चुका है, लेकिन ये मार्क्स जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो हम लोग इसको मार्क्स को हटा देंगे, मार्क्स को हम लोग हटा देंगे और यहाँ कर देंगे सेव। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग कितने भी कॉलम्स को यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, कितने भी कॉलम्स को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं एक कॉलम और बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम मैंने और बना दिया, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक कॉलम और दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कॉल स्पैन इक्वल टू थ्री कर देता हूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम सब के सब मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मर्ज हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग कितने भी कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं कॉल स्पैन के थ्रू। ठीक है, कॉल स्पैन टी एच में लग सकता है या फिर टी डी में भी लग सकता है। अगर मैं टी डी में लगाता हूँ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ ये वाला, या फिर इस टी डी पे मैं लगाता हूँ, ठीक है, मैं इस टी डी पे लगाता हूँ कॉल स्पैन, इक्वल टू टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये वाला जो है वो मर्ज हो चुका है और ये वाला जो है शिफ्ट हो गया राइट साइड। ठीक है, तो कैसे हो गया वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, तीन कॉलम को मर्ज कर लिया और यहाँ पे कोई कॉलम है नहीं। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे हम लोग को वैसा का वैसे ही दिख रहा है जैसा कि हमने पहले किया था। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कॉल स्पैन से हम लोग
कॉलम्स को मर्ज करते हैं। जैसे कि हम लोग ने एक्सेल में सीखा था कि वहां पे हम लोग मर्ज सेल करते थे, वैसे ही सेम काम करता है कॉल स्पैन। सेम काम करता है कॉल स्पैन। HTML टेबल विथ रो स्पैन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रोज को कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है, अगर किसी दो रो को हम लोग को मर्ज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, इफ यू वॉन्ट टू मेक सेल स्पैन मोर देन वन रो, यू कैन यूज द रो स्पैन एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर हमें कोई भी सेल को स्पैन करना है, स्पैन करना मतलब मर्ज कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस एग्जाम्पल से यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हमने टेबल एक बनाया है और यहाँ पे हमने तीन रो लिया है। ठीक है, एक टी आर है, दूसरा टी आर है और थर्ड टी आर है, और यहाँ पे दो कॉलम्स है। ठीक है, ये फर्स्ट टी एच हमने ले लिया इस टी आर के अंदर, जिसमें हमने लिखा है नेम, और दूसरा टी डी हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे लिखा है अजीत मौर्य। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है सेकेंड वाले टी आर में टी एच हमने लिया और यहाँ पे लिखा है रो स्पैन इक्वल टू टू। ठीक है, यहाँ पे हमने रो कितना बनाया? तीन रो हमने यहाँ पे बनाया है, तीन रो हमने बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, रो स्पैन इक्वल टू टू लगा दिया, मतलब मोबाइल नंबर से अगला वाला रो भी मर्ज हो जाएगा। मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो जो है मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड रो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला रो है, ठीक है, वो क्या होगा इस साइड, मतलब ये वाला जो सेकंड कॉलम है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो में दो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो में क्या हुआ है, रो स्पैन हुआ है, मतलब रो को मर्ज किया गया। ठीक है, रो को मर्ज किया गया, फिर उसके बाद जो यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो क्या हो जाएगा, दो सेल को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर थर्ड रो में ये तो मर्ज हो गया, लेकिन इसमें एक ही कॉलम हमने यहाँ बनाया, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है इसके पहले कॉलम पे भी आएगा। ठीक है, तो राइट शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, ये वाला सेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सेम चीज को हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम लोग प्रोग्राम की ओर चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे कैसे हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला वाला जो टेबल है वो हटा के इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग सेम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। ठीक है, मैं इसको सेव एज करता हूँ, रो स्पैन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, रो स्पैन डॉट एच टी एम एल मैंने किया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया है, और यहाँ पे आते हैं रो। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ, सबसे पहले बॉर्डर इक्वल टू मैं दे देता हूँ 1। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए रोज फैन यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो कैसा दिख रहा था बिना रोज फैन के। ठीक है, तो ये हम लोग का टेबल है, ओरिजिनल टेबल, जिसमें तीन रो है और फर्स्ट रो और सेकंड रो यहाँ पे क्या है, दो दो कॉलम है, और थर्ड वाले रो में एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट टी आर है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको दूर दूर कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ। फर्स्ट टी आर में फर्स्ट कॉलम नेम है, मतलब ये वाला, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम जो है अजीत मौर्य लिखा हुआ है, ये वाला, फिर उसके सेकंड वाले रो में फर्स्ट कॉलम है ये मोबाइल नंबर, फिर सेकंड कॉलम है ये वाला 750 वाला नंबर, फिर उसके बाद थर्ड रो में आ जाते हैं तो वहाँ पे एक ही कॉलम है। तो अगर मैं ये मोबाइल नंबर, मतलब ये दोनों
ये वाला और ये वाले सेल को अगर मर्ज करता हूँ तो ये वाला सेल जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये वाले खाली वाले एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रो स्पैन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम पे मैं रो स्पैन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रो स्पैन इक्वल टू 2। ठीक है, और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये वाला सेल जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और मोबाइल नंबर पूरा का पूरा इस दोनों पे कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो इस प्रकार का यहाँ पे हम लोग को जो एक टेबल है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो रो को यहाँ पे मर्ज कर लिया, दो रो को मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे दो रो को मर्ज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कॉलम वाइज मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हमने अप्लाई किया है, किसमें अप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम में हमने, ये फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हमने सेकंड रो पे अप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम मतलब ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हमने अप्लाई किया, तो फर्स्ट कॉलम पे ही वो एप्लीकेबल होगा, वो पूरे के पूरे रो में मर्ज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में ही मर्ज होगा। ठीक है, अगर हम लोग कॉल स्पैन लगाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो में ही मर्ज करेगा, सिंगल रो पे ही काम करेगा लेकिन वो कॉलम को मर्ज करेगा, यहाँ पे सिंगल कॉलम पे वर्क करेगा लेकिन वो रो को मर्ज करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रो स्पैन और कॉल स्पैन जो है वर्क करता है।